हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये है। ये मैंने पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट 10 वाले 2 पैकेट ले लिए, और ये एक इनो का शेस ले लिया। हम इसमें सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर भी नहीं डालेंगे। और ये चीनी, मैंने 2 चम्मच चीनी ले लिया, पिसी हुई चीनी है। और ये मैंने दूध ले लिया 1 ग्लास, रूम टेम्परेचर पे रख के कर लिया मैंने। अब इन सभी को मिक्सर लेंगे और उसमें पीस लेंगे। तो ये मैंने मिक्सर ले लिया, इसके अंदर ये सारे बिस्किट तोड़ के डाल दूँगी इस तरीके से, और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने पीस लिया, ये देखें कितना बारीक पीस लिया। इसी तरीके से आप भी पीस लें। और एक बॉल ले लें, ये मैंने एक बॉल ले लिया, और इसके अंदर सारे को पलट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पलट लिया। अब हम इसे करेंगे, अगर आपके पास ये है तो आप इसे फेंट लें, अगर आपके पास कुछ चम्मच या फॉक वगैरह है आप इसे भी फेंट सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रहे कि कोई लंग्स या गांठें ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। इस तरीके से हम घोल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे कितनी अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच चीनी, अब इसे भी हम फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से चीनी को आप इसके अंदर मिक्स कर लें। हमने चीनी मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे इनो डाल दूँगी। ये पूरा मैंने एक्सेस है इसके अंदर इनो डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं 1 से 2 टेबल स्पून दूध ऐड करूँगी, ताकि हमारा जो ये इनो का है अच्छे से घुल जाए। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बबल्स बन गए, इसी तरीके से बनाए। और इसे अब कर लेंगे हम मिक्स, हल्के हाथों से मिक्स करें। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है बैटर। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने केक स्टैंड लिया, इसमें मैंने ऑयल लगा के इस पर मैंने आटा छिड़क लिया, अच्छी तरीके से कोट कर लिया ताकि हमारा केक चिपके नहीं। अभी हम अपना पैटर्न लेंगे, इसे अच्छे से हिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं सारा पैटर्न इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें सारा पलट लिया। अब इसे 1 से 2 बार से इस तरीके से पैक कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। तो चलिए ऐसे हम अब पका लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के नीचे तवा लगा दिया और इसे 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब हम इसके ऊपर अपना ये केक का पैटर्न डाल देंगे। सावधानी से डाल दें और इसे ढक दें और फ्लेम को लो कर दें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे कवर कर दिया। अब हम ये जो मेरा छेद है इसके अंदर मैं आटा लगा के इसे सील कर दूँगी और इसे मैं कुक होने दूँगी 40 से 45 मिनट तक, लो टू मीडियम पे। तो हमारा केक जब तक पक रहा है, जब तक मैं ये बिस्किट का बताती हूँ क्या करना है। इसे खोल लेंगे पैकेट है, अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये बिस्किट को पीस लिया, इसे मैं इसमें पलट लूँगी। अब हम इसका करेंगे क्या, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसे गूंद लेंगे टाइट टाइट। तो आप देख सकते हैं हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे, बिल्कुल डो बना लेंगे।
अभी हमारा डो बिल्कुल तैयार है, तो आप ये देख सकते हैं ये बन के रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे गोलियां बना लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से। इस तरीके से सभी को बना लेंगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ, एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपका देंगे। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये मैंने कितने लिए, 1 2 3 4 5 फाइव पीस लिए। अब इसे हम करेंगे इस तरीके से रोल। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रोल कर लिए, ये हमारा बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इस बिस्किट में ऑयल बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितनी चिकनी हो गई है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया सिवाय पानी के। तो अब थोड़ा इसे अच्छे से दबा के इसे चिपका लें और इसे नाइफ की हेल्प से बीच से कट कर लें अच्छे से, ताकि ये हमारा फूल दो फूल बन जाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं दो हमारा फूल बन चुका है। इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खिला लेंगे, हल्के हाथों से करें ताकि आपका टूटे नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लावर रेडी है। तो इस तरीके से आप खोलें, हल्का हल्का खोलें, वरना ये आपका बिस्किट फ्लावर जो बना रहे हैं वो टूट के नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा दूसरा फ्लावर भी बनके रेडी है। तो इसी तरीके से मैं सभी को बना लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे बिस्किट के फ्लावर बन के रेडी है। चलिए अब हम अपना केक देख लेते हैं। ये तकरीबन 40 मिनट हो चुका है, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा केक कितनी अच्छी तरीके से बेक हुआ है। अब हम इसे बीच में चाकू की सहायता से चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे चाकू बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरीके से पक चुका है। चलिए अब इसे हम डिस आउट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा केक रेडी है। इसे हम इसके ऊपर प्लेट इस तरह से डालेंगे और इस तरह से पलट लेंगे और इसे टैप करेंगे इस तरीके से। इसे एक दो बार टैप करेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें कितना इजी तरीके से हमारा निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। बीच से काट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसे मैंने चाकू से दो भागों में कट कर लिया। अब मैं इस पर अपना व्हिप क्रीम डाल दूँगी। अच्छे से चलिए हम इस पर लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्रीम की एक लेयर लगा ली है। फिर हम अपना दूसरा पीस लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इसके ऊपर भी मैं अपना व्हिप क्रीम डाल दूँगा। और इसे अच्छे से फैला लेंगे। इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेंगे, चारों तरफ से इसे कोट कर लेंगे।
दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से विप क्रीम का कोट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए ये अपना फ्लावर ऐड कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा टूटी फूटी ऐड करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा टूटी फूटी ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ले जी केक बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी कि अंदर का टेक्चर कैसा है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको छोटा सा पीस कट करके दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से, आपको हमारे केक की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।